हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को मस्ट रिमेन। पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये पॉस्को का आपका फुल फॉर्म हो जाता है। द गवर्नमेंट शुड नॉट टिंकर विद द एज ऑफ कंसेंट। करेंटली 18, अभी करेंटली एज ऑफ कंसेंट क्या है? 18 ईयर्स। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, आप देखिए जो मैंने बताया। एक्ट, द लॉ मिनिस्ट्री सेड इन अ रिपोर्ट मेड पब्लिक ऑन फ्राइडे। इंस्टेड इट एडवाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। अब ये गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। वाइल सेंटेंसिंग इन केसेज दैट इन्वॉल्व द टैसिट अप्रूवल ऑफ चिल्ड्रन इन द 16 to 18 ईयर ऑफ एज ब्रैकेट। अब देखिए, टैसिट अप्रूवल क्या होता है? टैसिट अप्रूवल मतलब होता है वर्बली हाँ ना ना बोला जाए, पर एक्शन से उसको हाँ या ना बोला जाए। अगर जैसे मैं सर हिला दूँ हाँ में, और पर मैं वर्बली बोल नहीं रहा हूँ, तो वो एक तरीके से मतलब टैसिट अप्रूवल हो जाएगा मेरा, कि मैंने हाँ ना बोला नहीं है वर्बली, पर मैंने मेरे एक्शंस बता रहे हैं कि हाँ या ना है। द 22nd लॉ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। तो ये ऋतुराज अवस्थी जी रिटायर्ड जस्टिस है। 22nd लॉ कमीशन का ये आपका सबमिटेड इट्स रिपोर्ट नंबर 283 टू द लॉ मिनिस्ट्री ऑन सेप्टेम्बर 27। इट वॉज पोस्टेड ऑन द मिनिस्ट्री वेबसाइट ऑन फ्राइडे। इन द रिपोर्ट द लॉ मिनिस्टर नोटेड दैट सर्टेन अमेंडमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड इन द पॉस्को एक्ट 2012। तो 2012 के पॉस्को एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए टू रेमेडी द सिचुएशन इन द केसेस इन्वॉल्विंग टैसिट अप्रूवल। तो किसके लिए? जो टैसिट अप्रूवल है उनके केसेस के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट चाहिए हमें। दो नॉट कंसेंट अंडर लॉ वन पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 एंड 18 ईयर्स। तो ये मेन एज ब्रैकेट टैसिट अप्रूवल, ये बात हो रही है 16 से 18 साल के बच्चों की। द पैनल सेड दैट दी रिड्यूसिंग द एज ऑफ कंसेंट वुड हैव अ डायरेक्ट एंड नेगेटिव बेयरिंग ऑन द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अब देखिए, चाइल्ड मैरिज का हमने वो चीज़ तो हटा दी है, और वुमेन के एज क्या कर दी, कर दिया मैरिज का। तो और हम कंसेंट अगर उसको और कम कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको मतलब अप्रूवल नहीं दे रही है, कि कंसेंट हम पहले ही दे दे रहे हैं। पर जब कंसेंट पहले दे दे रहे हैं, तो शादी बाद में क्यों कर रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जब इतने समझदार लोग हैं कि कंसेंट पहले दे दो, तो ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा सा इसके बीच में जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसके लिए ये बोला जा रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज से लेकर के, इसलिए ये अमेंडमेंट होना चाहिए। इट ऑल्सो एडवाइज द कोर्ट टू थ्रेड द कॉशन इवन इन केसेस रिलेटेड टू एडोलेसेंस लव वेयर क्रिमिनल इंटेंशन मे बी मिसिंग। तो यहाँ पे बस बात की जा रही है, जो बचपन का प्यार होता है ना, उसी की बात की जा रही है, जहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है। द रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट वॉज मेड टू द लॉ कमीशन ऑन नवंबर 9, 2022 बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट धारवाड़ बेंच, विच आस्क द कमीशन टू रीथिंक ऑन द एज क्राइटेरिया ऑफ फॉर कंसेंट, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द राइजिंग नंबर ऑफ केसेस रिलेटिंग टू माइनर गर्ल्स अबव द एज ऑफ 16 ईयर फॉलिंग इन लव एलोपिंग एंड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द बॉय। अ सिमिलर रेफरेंस वॉज ऑल्सो मेड बाई द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच इन अप्रैल दिस ईयर, वेयर द कोर्ट नोटेड दैट द इन्फोर्समेंट ऑफ पॉस्को एक्ट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कॉजेस इनजस्टिस टू केसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रेप वेयर डिफेक्टो कंसेंट इज प्रेजेंट। तो डिफेक्टो प्रेजेंट यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, कर्नाटका ने एक बात अब बोला कि भाई इसमें आप कुछ उठाओ, चेंज करो एज ऑफ कंसेंट। मध्य प्रदेश में बात होगी, ठीक है। टेकिंग नोट ऑफ जुडिशियल सच जुडिशियल ऑब्जर्वेशन द कमीशन नोटेड द केसेस वेयर इट इज टैसिट अप्रूवल डू नॉट मेरिट द सेम सीवियरिटी एज द केसेस दैट वर आइडियली इमेजिन टू फॉल अंडर द पॉस्को एक्ट, ठीक है। द कमीशन देयर फॉर डीम्स इट फिट टू इंट्रोड्यूस गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन। अब तो इसीलिए यहाँ पे गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन आया है इन अ मैटर ऑफ सेंटेंसिंग सच केसेस। गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन ऐसे केसेस में जहाँ पे आप देखिए टैसिट अप्रूवल हो और 16 से 18 साल का बात हो, वहाँ के लिए क्या है? गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन इन द मैटर ऑफ सेंटेंसिंग इन सच केसेस। तो सच केसेस ये दोनों हो गया। दिस विल इंश्योर दैट द लॉ इज बैलेंस्ड, दस सेफ गार्डिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जस्टिस अवस्थी सेड इन द लेटर। ऑन सेप्टेम्बर 27 द लॉ कमीशन ऑल्सो सबमिटेड अ रिपोर्ट नंबर 282 इन विच द रिकमेंडेड रोलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन ऑन EFRIs इन द फेज मैनर बिगनिंग विद ऑफेंस दैट दैट अ जेल टर्म और अप टू 3 ईयर्स। द पैनल सेड दैट EFIR विल बी
tackle the persisting issue of delay in the registration of FIR and will allow citizen to report crime in real time. तो जैसे क्राइम हो वैसे ही वो हो जाए FIR, तो वहाँ पे डिले नहीं होगा, यही बात की जा रही है. क्लिंजिंग ऑन दी ऑन एन अर्काइक सिस्टम ऑफ द रजिस्ट्रिंग FIR डज नॉट ऑंगर वेल फॉर क्रिमिनल रिफॉर्म, जस्टिस अवस्थी नोटेड. तो मतलब बोला है कि यहाँ पे चेंज आना चाहिए. आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी तो हमारा 22nd लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, पॉस्को एक्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, एज ऑफ कंसेंट अभी क्या है करंटली 18 है हमारा. और आप देखिए यहाँ पे जो EFIR हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, टैसिट प्लस टैसिट अप्रूवल प्लस 16 टू 18 ईयर एज. आप देखिए इसके लिए क्या बना है, इसके लिए हमारा बना है गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन. इसके लिए हमारा गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन बना है. कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बोला, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बोला, ठीक है, पॉस्को एक्ट स्टैट्यूटरी रेप डिफेक्टो कंसेंट जहाँ पे प्रेजेंट हो, जहाँ पे टैसिट और 16 इयर्स तक के कंसेंट वहाँ पर हो, टैसिट कंसेंट हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए. एंड EFIR आप देखिए क्या ये डिजिटल इंडिया की तरफ हमें लेकर जा रहा है, क्या ये रिफॉर्म हो रहा है जहाँ पे डिले नहीं होगा. तो ये चीज़ हमें बस ऐसा पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. और बाकी 22nd लॉ कमीशन एंड पॉस्को एक्ट हमारे देखने की चीज़ होती है. सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.